नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर से मुंबई तक चलने वाली गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे संत कबीर धाम एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के बारे में, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में रोजाना चलती है। डेली ट्रेन है, इसे संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ट्रेन नंबर है 20104। ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है और ये जो ट्रेन है 30 घंटे 5 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 56 किलोमीटर पर आवर। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। और अगर हम बात करें इस ट्रेन के टाइप के बारे में, सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो गोरखपुर से मुंबई तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कोचेस वाइज गोरखपुर जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक का बताऊंगा। इसमें सेकंड एसी के कोच हैं जिसका गोरखपुर से मुंबई तक का टोटल किराया है 2645 रुपये, जिसमें 2424 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 126 रुपये है, टोटल किराया 2645 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 1840 रुपये, जिसमें 1657 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 88 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, टोटल किराया 1840 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। स्लीपर क्लास के कोच भी हैं जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। गोरखपुर से मुंबई तक का जो स्लीपर क्लास का किराया है इस ट्रेन का वो है 700 रुपये, जिसमें 650 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, टोटल किराया 700 रुपये बनता है। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में अगर आपने रिजर्वेशन के साथ जाना है तो इसका टोटल किराया जो है 430 रुपये है, जिसमें 400 रुपये तो बेस फेयर है, 15 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज भी 15 रुपये है। इसमें तकरीबन 3 जनरल डिब्बे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे गोरखपुर से मुंबई तक चलने वाली ये गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस या संत कबीरधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कौन कौन से स्टेशन आते हैं। गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से रोजाना रात के 10:30 पर ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 30 घंटे 5 मिनट बाद यह ट्रेन जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। सुपरफास्ट ट्रेन होने की वजह से इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है वो है खलीलाबाद। खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में रात के 11:08 पर पहुंचती है और 11:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 34 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसके बाद यह ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 11:36 पर पहुंचती है और 11:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 64 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BST। इसके बाद ये ट्रेन जो है बबनान रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 12:02 पर पहुंचती है और 12:04 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 94 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बबनान का स्टेशन कोड है BV और इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 12:55 पे और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 152 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। शपथ क्रांति एक्सप्रेस के साथ यहां पर इस ट्रेन की डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद लखनऊ के बादशाह नगर में रात के 3:14 पर पहुंचती है और 3:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 265 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BNZ। इसके बाद ये ट्रेन जो है ऐशबाग उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। ऐशबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुबह 4 बजे पहुंचती है और 4:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है ऐशबाग में। विशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। 276 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
इसके बाद गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है सुबह 6:20 पे और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 345 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है CNB। इसके बाद पुखराया रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:31 पे पहुंचती है और 7:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 404 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और रही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:10 पे पहुंचती है और 8:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 455 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद झांसी जंक्शन या वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, जिसे झांसी जंक्शन कहा जाता था, यहाँ पर सुबह 10:53 पे पहुँचती है और 11:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 565 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो भोपाल जंक्शन मध्य प्रदेश में दोपहर के 2:40 पे पहुंचती है और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और खुशीनगर एक्सप्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 4:25 पे पहुंचती है और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 951 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इटारसी जंक्शन का स्टेशन कोड है ET। इसके बाद गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो खांडवा जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 7:08 पे पहुंचती है और 7:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 1134 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खांडवा जंक्शन का स्टेशन कोड है KNW। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन भूसावल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:05 पे पहुंचती है और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1258 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस या संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे रात के 12:55 पे पहुंचती है और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1565 किलोमीटर के करीब जो है ये गोरखपुर से इगतपुरी की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और यहां पर मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है IGP। इसके बाद गोरखपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई में सुबह 4:45 पे पहुंचती है और 35 मिनट पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 1680 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियो बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।